मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज राइट विद सोल्जर, आपका अपना आर्मी भाई। हम निकल पड़े हैं अपने राइड पर जो कि है मॉर्निंग राइड टू शिवार मोटोक्रॉस। शिवार मोटोक्रॉस मेरे फ्रेंड का फार्म है जहाँ पर उन्होंने बहुत ही प्यारा सा सॉरी सुबह सुबह गला खराब हो जाता है। सो उन्होंने बहुत ही प्यारा सा वहाँ पर एक सेटअप बना के रखा है एंड वी गोइंग टू सी दैट सेटअप विथ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स एंड आई एम गोना गेट समथिंग न्यू ओवर देयर। मैं कुछ लेकर के जा रहा हूँ साथ में, अपने साथ। सो क्या होगा ये अगर आपको देखना है सो पूरा का पूरा ब्लॉग देखिए, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है, मुझे भी बड़ा मज़ा आने वाला है। लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, स्टे विद मी, बाय। या गुड बाय। देखो तो हम लोग जो दिखाना चाह रहे थे यहाँ को वो है ये वाली अम्बाला जो गुड्डू भाई लेकर के आए हैं। आओ जो कैसे चलाने में मस्त है ना, आज इसकी परेड लेंगे। एक्चुअली मैंने इम्पोर्ट करा है। क्या बात है, गुड्डू भाई का नवा GoPro 7। ये भाई सही है, बाइक कब बनाएगा। चलो तो हम चलते हैं। ये बाइक मैंने इम्पोर्ट करवाई है एक्चुअली बड़ी मस्त बाइक है, 250 cc है, विली विली ये वो जम जुम जो कराना कराओ मस्त हो रहा है एकदम फड़क में। और दिस इज लवली एक्चुअली। तो बजट में भी है, ज़्यादा कुछ खास महंगी नहीं है। प्राइस तो मैं रिवील नहीं करूँ, हम रवाई प्राइस तो हम रिवील नहीं करेंगे। हाँ बट स्पेक्स ज़रूर बताऊँगा आपको इससे। स्पेक्स मतलब स्पेसिफिकेशन, यस इट इज़ लवली वंडरफुल बाइक। वी कैन डेफिनेटली डू सम गुड स्टफ ऑन इट विच इज़ ऑफ रोडिंग। डर्ट बाइक इट इज़ कॉल्ड, डर्ट बाइक, प्योर डर्ट बाइक इट इज़। एंड ये है ऑफ रोड, मुंबई का ऑफ रोड। हम लोग हैं मीरा रोड में और हम लोग अभी जस्ट मीरा रोड से बाहर निकलने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे विद मी, लव यू ऑल, बाय। है क्या बड़ा सारा मौसम सुहाना और बहुत सुहाना मौसम, लवली लवली लवली। हमें मौजूद के पास एंड और अभी हम लोग बस ब्रिज जॉन करने वाले जो नया नया ब्रिज बना है यहाँ पे। बट हो जा वुड लाइक टू टेल यू कि मुझे मेरे बाइक को बनाना है पेट्रोल। तो हम लोग पहुँचे हैं लगभग वसई के पास। गुड्डू भाई एकदम बाइक पे खड़ा कर हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। नीलेश भाई ये 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 क्या बात है, नीलेश भाई कड़क फॉर्म में एकदम गर्म में, टेम्परेचर है 57°C और हमारे साथ हम मिस कर रहे हैं साहिल भाई को। साहिल भाई नहीं आ पाए बिकॉज उनके हाथों में मेहंदी लगी है, आने जाने के काबिल नहीं है। तो साहिल भाई नहीं आए, मयूर नहीं आया और बोसे बंदे नहीं आए, वरुण नहीं आया, ये सब इसे बाहर मार मार करके सुबह उठने का बहाना होता है। हाथों पैरों में मेहंदी लगी है और दोस्तों के साथ भी जाने के काबिल नहीं है, तो हम क्या करें भाई, हमको अकेले अकेले जाना पड़ता है। चलो चलते हैं मोटोक्रॉस। गुड्डू को मची है खुजली बिली मारने की, हाँ चल। चलो चलो, अरे मारो सारे। मैंने बोला था नीलेश भाई का, मैंने बोला था नीलेश भाई का टेम्परेचर फुल ऑन हाई पे चल रहा है 57°C, ये अभी 60° के सामने जा रहा है भाई। भाई हमारा सूखे गाड़ी चला रहे एकदम मस्त रिलैक्स में। बहुत ही प्यारे और सुंदर नज़ारे हैं यहाँ पर, बादल भी देख सकते हो आप पहाड़ी के ऊपर। ये रास्ता जाता है गुजरात की ओर और हम पहुँचने वाले हैं अपनी मंजिल की ओर। स्टे ट्यून्ड, स्टे विद मी, लव यू ऑल एंड आपका अपना आर्मी भाई, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। यो हमने ले लिया है राइट, क्या बोलते भाई, हमने ले लिया है राइट और यहाँ पर है फुल ऑन ट्रैफिक जैम। आई डोंट नो क्यों है, बस ट्रैफिक जैम तो है भाई। ओह बस खराब हो रखी है,
इसलिए है यहाँ पर ट्रैफिक जैम। ओके, ओ बस का वेंट एक्सल टूट गया भाई, बस का एक्सल टूट गया, सो ऑब्वियसली बस तो बैठ जाएगी ना, बस बैठ चुकी है। और यहाँ पर नदी का पुल भी है, सो फुल ऑन ट्रैफिक। ओ भाई क्या प्यारा सा नज़ारा, देखो सामने पहाड़ी, यहाँ पर छोटा सा डैम टाइप कुछ बना हुआ एंड ये नदी वहाँ से बह रही है। बारिश की वजह से इसके अंदर पानी भी काफ़ी ज़्यादा है, सो बड़ा अच्छा लग रहा है और सूरज भी निकल रहा है। इधर से बादल भी है, वहाँ बारिश भी हो रही है, यहाँ पर भी बारिश हो रखी है, सो हरियाली भी है, ट्रैफिक भी है, हम भी है, आप भी है एंड हम लोग के साथ में साहिल भाई भी है। ओके कम गाइस कम, ये हम लोग अभी जमाता है गोइंग राइट फ्रॉम हियर टुवर्ड्स मोटर फार्म। सो हम है यहाँ पर, आई लव शिवार एंड दिस इज नीलेश भाई, यहाँ पर है सागर भाई, प्रतीक भाई एंड गुड्डू। हम लोग है शिवार एग्रो फार्म में और अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, इस गेट से जाने वाले हम लोग, वी गोइंग टू दिस ट्रैक। अभी ट्रैक में होगा थोड़ा स्लश, थोड़ा पानी और भरी जवानी और याद है कि नानी, सो लेट्स गो डू सम गुड स्टफ। ये मेरा 360 भी लग गया भाई, बंद हो जा। वहां जाके ऑन करेंगे, सो लेट्स गो ऑन। आपको आते मेरे भाई ने बोनी कर दी, गिर गया क्या नीलेश भाई, गिर गया क्या, बोनी बोनी कर रहा था क्या, हाँ बोनी कर रहा था क्या, मेरा भाई गिर गया सुबह सुबह। कोई नहीं, अभी हम भी गिरने वाले भाई, सभी गिरने वाले। चलो ये है ट्रैक, इधर पानी वानी भी हो रहा है मस्त एकदम, चलो चलते हैं ट्रैक करते हैं। ऑफ रोडिंग करने से पहले सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपके दोनों टायर में हवा थोड़ी कम ही हो, अगर हवा ज़्यादा है तो आपको ट्रैक्शन नहीं मिलेगा। सो हवा कम रखनी है, अभी टायर प्रेशर हो गया है कम, अरे हटना 23, हाँ ठीक है ये हुआ है आगे का टायर प्रेशर। दिखाएगा दिखाएगा, अरे पूरा भर गया, पूरा खाली रहता है। अच्छा मजा आता है, कोई नहीं। तो ये हो गया हमारा टायर प्रेशर एडजस्ट, नाउ नेक्स्ट वन इज टू एडजस्ट योर सस्पेंशन प्लस योर ABS ऑफ और ऑफ एंड देन सस्पेंशन एंड्यूरो पे ऑटोमेटिक, यस
That's how you adjust your suspension, your air pressure and all everything. Now it is all set up. Let's go to the ride. Time to do the first one. Slow, steady. Yes. बहुत दिनों के बाद में, मतलब लगभग पूरा समर मैंने बाइक राइडिंग नहीं की, उसके बाद में अब मैं बाइक राइडिंग कर रहा हूँ. एंड यस, आई एम गोना लव इट. सागर भाई हमको रास्ता दिखा रहे. और हम गिर गए. ये जो ट्रैक है, ट्रैक में तो ध्यान से चलना पड़ता है, नहीं तो बाइक इनबैलेंस होकर के गिर जाती है. इस तरह से उठा लिया मैंने बाइक को, नॉट अ प्रॉब्लम. लेट्स गो नाउ, गुड टू देयर. हम भी चलते वहीं पे. फिर कहाँ जा रहा है गुड्डू? चलो वापस. चश्मा गिरा दिया मैंने रास्ते में ही, भूल गया था मैं. अरे नहीं, यहीं पे. बच गया, बच गया, बच गया, बच गया भाई. सुना गुड्डू, ट्रेल ऊपर ही है, इधर नहीं है. हाँ उधर ही है, वो बता रहा था ट्रेल, तुम सामने आ गए. ठीक है वापिस चलो, वहीं पे करनी है ट्रेल. ठीक है उधर ही है ट्रेन. चलो चलो, स्लश. फुल स्लशी है बॉस ये. अभी ये चढ़ाई वाला मामला है. गिरना नहीं भाई. गिरना नहीं है बस. लाइट लो, चलते रहो धीरे धीरे ढलान में खास करके. और ये पत्थर बहुत है यहाँ पे, सो टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस रॉक्स, बिकॉज ये कब स्लिप होंगे, कब आप नीचे जाओगे कुछ पता नहीं. चलो यहाँ तक पहुँच गए हम लोग. फुल स्लशी मड़ी. ये लाइट वाइट बेबी. और मड़ आ गया. या आगे का टायर जब जाता है किसी भी ट्रैक में, फंसता है, तब जाके बाइक स्किड होती है. ये हो रहा है भाई हमारे. हम पहुंच गए यहाँ पे इन लोगों को लेकर के. लेट्स डू अ ट्रैक नाउ. चलो चलते हैं भाई हमारा. देखो लग गया जुप एकदम. अच्छा टेक ऑफ जुप. हाँ जुप. चल भाई अपन भी करते जुप करके जाते. हाँ
क्या हुआ? मस्ती निकलने वाली है अभी पूरी। चलो जुप जुप करके निकल। ओ भाई पूरा स्कीड हो रहा है। बहुत ज्यादा स्पीड हो रहा है, फिर भी मेरे नॉबी टायर्स है। गिरना नहीं है भाई। ये मजा आ रहा है। नीलेश भाई गए हैं अभी फाल्कन पे टेस्ट राइड लेने के लिए। सो आई होप ही लव्ड बाइक। इट्स टाइम फॉर दिस ब्यूटी। जबरदस्त भाई, मिला क्या? मिला मस्त एकदम। हाँ ये एकदम स्टीप वाले में जा रहा है मेरा भाई। जा जा, कुछ नहीं होगा, अभी गिरा तो गिरा बहन, तो जा। बंदा पहुंच गया भाई नीचे। अरे रिलैक्स रिलैक्स, यू ओके? रुक रुक, पहले इसको निकालो। अय्या छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। अब तू गिरने का रिकॉर्ड बनाएंगे बहन, जो आज हम लोग ठीक है सब गिरेंगे। धड़ा धड़ धड़ा धड़ उधर अटक गया था ना। ये है हमारे कौशिक भाई, ये भी हमारे साथ में आज बाइक राइड करेंगे। इनके पास में ड्यूक है। कौशिक भाई लेट्स गो डू सम फन। सीधा ऊपर, ये क्या बात है नीलेश, कम ऑन। उत्तरी उत्तरी, ओ यस गुड नीलेश, वेरी गुड। अगर स्कीड मारा तो गिर जाएगा बंदा। चलो भाई तीनों बाइक ऊपर है, मेरी बाइक सिर्फ नीचे है, तो ऐसे नीचे तो नहीं रह सकते, जाना तो पड़ेगा। चलो लेट्स गो। ये पहले से स्कीड मार रही है बाइक। ना 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 चल ये चुद, कहाँ रुक गई? आ गई। अरे मोटा गिरा रे। साले तू गिर रहा है, गिरने की एक्टिंग कर रहा है। अच्छा बेटा चलो भाई हमारा नंबर आ गया। चोर ये क्या था, कुछ ज्यादा स्पीड हो रहा है वहां पे, कुछ ज्यादा स्पीड हो रहा है। मजा आ रहा तेरे को? ऐसे स्पीड में जाओ और ऐसे ब्रेक मारो, गाड़ी पूरे घूम जाएगी रे।
को मार किया। नहीं अभी और फोन आने वाले, घर से भी आएगा साला, उधर से अर्जित का भी आएगा। नहीं अपने हो जाएगा, सब कर दूंगा मैं तुझे। कोई नहीं भाई, इसका हमेशा का वो स्लश है ना, वो धूप से और ज्यादा हो गया मालूम है, धूप से और ज्यादा हो गया। पकड़ो ये, अभी मेरे बीवी का फोन आएगा और अर्जित का फोन आएगा, बोले भाई कहाँ गिरा। चलो नेक्स्ट राउंड अगेन। टायर में पूरा का पूरा ये स्लश बैठ चुका है, इसलिए गाड़ी ज़्यादा स्किड हो रही है भाई। एक बार राउंड मार गया ना, मान लिया, मान तू भी गिरेगा, मुझे मालूम है। सब गिर रहा, मैं भी गिरा, तू भी गिरेगा। सब ओ ले ले बोला ना मैं भाई, बहुत ज़्यादा स्लशी हो गया ये, अभी सब गिर रहा है। लगा तो नहीं तेरे को? शुरू होता होता संपला दो। ये हमारे टायर में स्लश है, तेरे टायर में स्लश क्यों नहीं है? मेरे में स्लश है ना? नहीं तेरे टायर में स्लश क्यों नहीं है? मैं मेरी गाड़ी को ऐसे झटकती एकदम ऐसे ऐसे करके। रिकॉर्ड हुआ है ये बेटा, रिकॉर्ड हुआ है। ये हमारा टेडी बियर है, ये टेडी बियर है, टेडी बियर ऐसे झटक देता ना पूरा सब लगा हुआ। सही है, बहुत माल मसाला मटेरियल मिल गया मेरे को इस ब्लॉग में भाई, जाते जाते भी दो चार बार गिरेंगे सब लोग, देख लेना। ये इसका रिकॉर्ड हुआ, ये भी रिकॉर्ड हुआ, ये भी रिकॉर्ड हुआ, सब गिर रहे। मैंने कैमरा चालू ही रखना है आज शाम तक, यहाँ से बाहर जाने तक लगा रहे मेरे को। यहाँ पे लगा है थोड़ा सा दुखिंग, नहीं थोड़े से दुखते ही थे तो बना जाने थोड़े से। हाँ बच गया, मेरे को कंटेंट दो रे, गिरो रे। जानबूझ के नहीं गिरने का, ठीक है ना? अभी मेरी गाड़ी मारेगी धुआं, गाड़ी में से धुआं निकलेगा अभी। तेरी गाड़ी नहीं गिरेगी, कैसे फेंक रहा है। रे 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 मटका के मटक के चलती रहे, वैसे मटका के आइटम चल रही है हमारी। देखो नीलेश गया भाई अपनी 390 लेके। ओ गिरेगा नीलेश, चलो अभी अपन चलते हैं। ये आप देख सकते हो, ये है पूरा आग और ये फिर से एक बार गिरा। ये हम लोग निकले हैं वो रिटर्न जाने के लिए, बट गाड़ी बहुत स्कीड हो रही है बॉस, हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और एक कंप्लीशन नहीं चाहिए फॉलिंग डाउन वाला, ध्यान पूर्वक जाना पड़ेगा। लेट्स गो एंड ईट समथिंग। थोड़ा भी यहाँ पर ऑड इवन स्पीड किया तो गिरने की पूरी संभावना हो जाती है, इसीलिए स्पीड मेंटेन करके रखो, सीधे सीधे उतरो।
और ऐसे ढलान पे खास करके ये बात याद रखना कि जब आप ढलान पे उतर रहे हो, आपके आगे वाला बंदा पहले उतर गया हो उसके बाद में ही आप उतर रहे हो, बिकॉज अगर वो गिर गया तो आपको रुकने के पर आपका इम्बेलेंस हो जाएगा और आप गिर जाओगे। इसीलिए हमेशा पहले नीचे वाले बंदे को उतरने दो, उसके बाद ही आप उतरो। बहुत ईजीली उतर जाते हो। लेट्स गो। दिस इज नॉट अ डर्ट बाइक। ये मेरी बाइक जो है ये डर्ट बाइक नहीं है, ये है एडवेंचर बाइक। सो डोंट थिंक लाइक यू नो कि इसको उड़ा सकते हैं। मैं उड़ाता हूँ, बात अलग है, बट इसके ऊपर टेक्निक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है। हाँ, कहाँ पे गिरा? क्या भाई तू क्या किया? क्या तेरा नाम नीलेश वसावे नहीं है, इसका नाम क्या है? गिरे पसावे। नीलेश गिरे पसावे। मैंने अभी अभी कुछ खास चीज़ देखी है, वो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। ये है कुछ खास। भाई मैं अपने पहली बार अपने लाइफ में, मैंने हमेशा काले वाले मकोड़े देखे, इसको मकोड़े बोलते हैं हिंदी में, मकोड़े, बट यहाँ पर लाल वाले मकोड़े। कसम से अगर किसी को काटा तो नागिन डांस करेगा, पिला के नागिन डांस करेगा। तो अगर आपकी बाइक वाइक किसी जगह पार्क है, गलती से वहाँ पर मकोड़ा चढ़ गया और गलती से गलत जगह घुस गया, तो नागिन डांस करते करते घर पहुँचोगे, मज़ा आ जाएगा बॉस। And these are the red one, which is very dangerous, very dangerous. Be careful. Time to have some breakfast. मैं पहले वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पीछे में खड़ा है, बाद में बचेगा नहीं बचेगा कुछ गारंटी नहीं है, इसलिए पहले देखो मिसल मिसल ऊपर तो कर पाओ, मिसल पाओ चला गया अंदर। मिसल पोहा कॉर्न, वेरी हेल्दी नेचुरल ब्रेकफास्ट। खा गया तू? आई एम आल्सो हेल्दी। वेज आना थोड़ा मर गया तू, चल खा। नहीं नहीं, लेट्स हैव सम ब्रेकफास्ट। तो दिस इज द फाइनल सेरेमनी व्हिच इज हैपनिंग राइट नाउ, और यहाँ पर जीप के भी बहुत सारे लोग आ चुके हैं, जीप मेरिडियन लेकर के, एंड आई गेस जीप इज गॉट अ इवेंट हियर। तो यहाँ पर उनको ऑफरोडिंग करने वाला है, ये हो रहा हमारा फोटोशूट। बड़ा पाटो जिला फोटो चलो देन लेट्स लीव फ्रॉम हियर टुवर्ड्स मुंबई। सो बारिश रुक चुकी है और हमने अभी यहाँ पर हवा रिफिल करवा ली है, बिकॉज ऑफ रोड के लिए हवा करवानी पड़ती है, ये एहसान टायर्स में। भाई थैंक यू। चलो अभी टाइम टू लीव फ्रॉम हियर टूवर्ड्स मुंबई। ये जाता है रोड बाड़ा की तरफ, बहुत ही प्यारा सा रोड है, थोड़ा सा ख़राब है, बट या इट्स फाइन। एंड नाउ वी आर बैक ऑन द हाईवे, नॉट द स्मॉल बिग हाईवे, स्टेट नेशनल हाईवे, बट दिस इज स्टेट हाईवे ऑल्सो। तो हम लोग, अरे यार ये लगाना भूल गया, हेलमेट का स्ट्रैप भूल गया मैं लगाना। बाइक चलाने का मज़ा कुछ और है, और जो बाइक ऑफ रोडिंग चलाई जाती है उसका मज़ा कुछ और है। अभी हमने ऑफ रोडिंग का फुल मज़ा लिया, अभी ऑन रोड थोड़ा मज़ा लेकर के सीधा घर, एंड देन सी यू गाइस, बाय बाय। नीलेश और राशिद दोनों बाइक में फ्यूल भरवा रहे, बिकॉज
आते समय उस बाइक में फ्यूल भरवाया था, उसका टैंक सिर्फ और सिर्फ 7 लीटर का है। मैं बता दूं आपको, सिर्फ 7 लीटर का है। जिस तरह से हमने जो अमाउंट ऑफ मस्ती हमने की उस बाइक पे, फुल ऑन, इधर से उधर डालो, यहाँ से वहाँ लेके जाओ, ये करो वो करो, तो आई थिंक उसका अंदर फ्यूल डालना बहुत ज़रूरी है बॉस। पता नहीं उसका एवरेज कितना है, क्या है, 1 लीटर में कितना चलती है, क्या कुछ पता नहीं है, इसलिए नो रिस्क। जहाँ पर भी फ्यूल स्टेशन मिलता है डलवा दो भाई, बेटर है। सो इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे, जहाँ पर चाय मिलेगी वहाँ पर रुकेंगे, देन उसके बाद सीधा घर। सो तब तक आप रहिए मेरे साथ, आपका अपना आर्मी भाई। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, अपने दोस्तों को भी बोलिए, 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने हैं भाई। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। चल रहा हूँ 92, 93, 94 में, और ये चल रहा है 96, उटू चल रहा है मेरे साइड में। तो अपने बाइक का स्पीड भी अच्छा भाई, एयर अबाउट 100 तक पकड़ लिया है, 100 का स्पीड पकड़ रहा हाईवे पे, तो इट्स इज गुड। आई मीन व्हाट एल्स यू वांट। ये देखो 99, 100। मीरा रोड से पहले वैसे ग्रीक का जो ब्रिज है, ब्रिज के पास में लगा हुआ है, फुल ऑन ट्रैफिक, और ट्रैफिक में हम लोग फंसे हुए हैं। अभी लगभग 2 किलोमीटर तो हो गया है ट्रैफिक का, अभी बस लास्ट का स्टेज बाकी है, फिर इसके बाद में हम लोग थ्रू हो जाएंगे। आजा नीलेश भाई, हमारा डर रहा है कीचड़ में डालने से, उसको लग रहा है कहीं डीप अगर रहा तो फंस जाऊंगा या फिर कीचड़ उड़ेगा, इसलिए रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ, फिर बोलोगे मैंने पानी उड़ा दिया। हाय गाइस, सो अपुन पहुंच चुके हैं अपने घर पे। हाय, ये है सारा सामान, ये है मल्टी मैडम, और ये है अपान। अपन पहुंच चुके हैं घर पे, बट ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, बहुत 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 मजा आया। थैंक यू शिवा ऑटो फार्म, आई मीन दैट वाज ग्रेट राइड, एंड सागर प्रतीक, यू गाइस आर ऑसम, थैंक यू गौरी फॉर द वंडरफुल ब्रेकफास्ट, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अभी आपको अरे वीडियो पसंद आया होगा, नहीं भी आया होगा, जैसा भी है, अगर बोर लगा होगा तो भी ये वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दो, और सबको बोलो देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच, आपका अपना आर्मी भाई, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल, बाय बाय।